भैया जिसने भी कहा है सही कहा है, एक से भले दो, जैसे दो आइसक्रीम स्कूप्स या एक से भले पॉपकॉर्न के दो दो फ्लेवर्स। लेकिन जब एक ही पौधे पर मिल जाए दो अलग अलग वेजिटेबल्स तो कहानी बन जाती है OMG। ये है ब्रिमाटो, वर्ल्ड का पहला ऐसा पौधा जिस पर एक साथ उगते हैं ब्रिंजल और टोमेटो, यानी बैगन और टमाटर। दोस्तों ये अतरंगी प्लांट डॉक्टर आनंद जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के दिमाग की उपज है और इनसे मिलने हम आए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। दोस्तों ये धासु टेक्निक अनोखे प्लांट्स को जन्म दे रही है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के मुकाबले पैदावार को बढ़ा रही है और वेजिटेबल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी फार्मर्स की हेल्प कर रही है। इस अनोखे ब्रिमाटो के प्लांट को एक सीजन में 6 से 7 बार हार्वेस्ट किया जा सकता है और हर बार इससे मिलते हैं करीब 2.5 किलो ब्रिंजल और 2-2 किलो से ज्यादा टोमेटो। OMG। लेकिन सर जी, दो अलग अलग सब्जियां एक ही प्लांट पर कैसे? सन 2011 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान को ये लक्ष्य दिया गया था, टमाटर की खेती जो है थोड़ा अगर बरसात में भी करना हो तो उस कंडीशन में कैसे करें। तो हम लोगों के आइडिया आया कि क्यों ना बैगन के ऊपर टमाटर को ग्राफ्टिंग करके लगाया जाए, रूट स्टॉक को पानी में रख कर हम लोग इसको देखे, जो रूट स्टॉक हमारे बैगन के ज्यादा दिन तक झेल सके उन्हीं को हम लोगों ने ग्राफ्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया। वो एक कमाल कर दिता गुरु, लेकिन ये जादुई OMG पौधा आखिर बना तो बना कैसे? रुकिए समझाता हूँ। प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, रूटस्टॉक यानी लोअर पार्ट और सायन यानी अपर पार्ट। डॉक्टर आनंद और उनकी टीम एक नर्सरी में ब्रिंजल और टोमेटो के प्लांट्स को अलग अलग उगाते हैं। जब स्टेम की थिकनेस 2 से 3 मिलीमीटर हो जाती है तब शुरू होता है ग्राफ्टिंग का प्रोसेस, जिसमें रूट स्टॉक और सायन पर 45 डिग्री एंगल के करीब 7 मिलीमीटर के कट्स लगाए जाते हैं और ग्राफ्टिंग क्लिप से दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी रूट ब्रिंजल का और सायन टमेटो का। उसके बाद सैपलिंग को 5 से 7 दिनों तक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखकर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट मेंटेन की जाती है। फिर 5 से 7 दिन पार्शियल शेड में रखने के बाद प्लांट को फील्ड में उगा दिया जाता है। सर जी, फ्यूचर में और कौन कौन सी वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन बनाने का इरादा है? तो उद्देश्य यह है कि कम क्षेत्र में आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियां कैसे पैदा करें शहरी क्षेत्रों के लिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग ग्राफ्टिंग में तो टोमेटो किए ही हैं, उसके साथ हम मिर्च भी उसमें ऐड करना चाहते हैं। और अभी यहाँ हम लोगों की बहुत बड़ी एक नर्सरी लगने जा रही है, उससे आशा है कि हम लोग इतना ज्यादा पौधे पैदा करेंगे कि इसको हम कमर्शलाइज कर सके। दोस्तों ब्रिमाटो जैसे इनोवेटिव प्लांट्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर वेजिटेबल्स की शॉर्टेज और सप्लाई चेन पर आने वाले प्रेशर को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले डॉक्टर आनंद और उनकी टीम को OMG सलाम करता है।